नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक नए प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम को नाम दिया गया, उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं जिसको नाम है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। अब मैं इसका आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं। भारत में आम तौर पर, भारत हो या पाकिस्तान हो, दो फसलें होती हैं अनाज की। एक कहते हैं रबी, जिसकी कटाई अप्रैल के महीने में होती है, बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, सुना होगा आपने। और दूसरी फसल होती है खरीफ की, जो कि सितंबर अक्टूबर में होती है। तो जब ही अच्छा, कहीं पर तो भारत में तीन फसलें भी होती हैं, खुद हमारे यहाँ बम्बई के आसपास में जो है ना, तीन फसलें होती हैं। खैर, नॉर्मली तो दो होती हैं, लेकिन मैं ख़ास, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब फसल की कटाई होती है तो उस वक़्त हर किसान माल बेचना चाहता है, तो वो जो माल है, जो अनाज है, भले वो सीरियल्स हों, दालें हों, ऑयल सीड्स हों, जो भी है वो डिस्पोज करना चाहते हैं, लेकिन उसको स्टोरेज करने की भारत में इतनी फैसिलिटी नहीं है, और भारत क्या पाकिस्तान में भी नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मौसम की जो वेगरीज होती हैं, जैसे कभी भी तूफान आ सकता है, बारिश पड़ सकती है, सैलाब आ सकता है, तो ऐसे मौसम की जो तब्दीलियां हैं, जिनकी वजह से जो है वो जो खुले में अनाज या ऑयल सीड्स या दालें वगैरह जो भी हैं, जब रखी जाती हैं तो ज़ाया हो जाती हैं, और खासा हिस्सा जो है ना इसका ज़ाया हो जाता है। अब किसी का भी ज़ाया हो, किसान का ज़ाया हो, उससे ख़रीदा हुआ व्यापारी का ज़ाया हो, या उससे ख़रीदा हुआ सरकार ने जो अपने यहाँ रखा है वो ज़ाया हो, तो खुले में माल रखने की वजह से माल का नुकसान होता है। इसको बचाने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वो है ज़्यादा से ज़्यादा गोदाम बनाना। तो अभी भारत सरकार ने ये नया प्रोग्राम चालू किया है, जिसके तहत कल जनाब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जो है इसका नाम दिया गया है, इसको भारत मंडपन के नाम से गोदाम बनाए गए हैं। फिलहाल 11 रियासतों में ये बने हैं। कल 11 का जो है इफ्तिताह किया गया। टोटल हज़ारों ऐसे बनाए जाएंगे, और आइंदा 5 सालों के अंदर अंदर सब के सब बन जाएंगे, और इनके ऊपर जो लागत आएगी वो होगी 1,25,00,000 हिंदुस्तानी रुपए। 1,25,00,000, यानी यूं कह सकते हैं कि तकरीबन जो है मैं समझता हूँ 15 बिलियन डॉलर्स जो है का इस पे खर्चा आएगा। अमेरिकी 15 बिलियन डॉलर्स की लागत से ये जो हज़ारों गोदाम बनाए जाएंगे, और इनकी कैपेसिटी जो टोटल होगी वो 700,00,000 टन होगी। 700,00,000 टन अनाज हो, दालें हो, ऑयल सीड्स हो, या जो भी हो। और ये सारे के सारे जो गोदाम हैं, एक तो पूरे हिंदुस्तान के कोने कदरे में फैले हुए होंगे, और उसके साथ साथ ये कंप्यूटराइज्ड होंगे, यानी उसका पूरा रिकॉर्ड जो है किसी भी वक्त
कंप्यूटर से मालूम किया जा सकेगा कि इस वक्त हमारे पास कितना माल पड़ा है। अब वो माल किसी का भी हो, हम एक व्यापारी भी उसके उधर वहाँ पे स्टोर कर सकता है, ऑफकोर्स ही विल हैव टू पे द रेंट, या गवर्नमेंट का अपना हो या किसान का हो, किसी का भी हो। लेकिन एक बार ये गोदाम सरे बन गए तो खासा जो है ना हिस्सा जो हमारा इस वक्त मौसम की तब्दीलियों की वजह से नुकसान हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, उसकी भरपाई की जा सकेगी। और इतना तो आप भी समझते हैं, अंग्रेजी की एक कहावत है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। तो यहाँ पर मैं कहूँगा फूड ग्रेन सेव्ड इज फूड ग्रेन अर्न्ड। तो इस लिहाज से भारत के जो अनाज की अभी वैसे तो कमी नहीं है इस वक्त भी, लेकिन ज़्यादा होगा तो किसान की भी कमाई बढ़ेगी, गवर्नमेंट की भी बढ़ेगी, और फिर माल के ज़्यादा होने की वजह से जो है इन्फ्लेशन के ऊपर भी असर पड़ेगा। क्योंकि इतना तो आपको मालूम है ही कि जो शरा महंगाई होती है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, उसका ताल्लुक दो चीज़ों से होता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड तो हमारे यहाँ जितनी हमारी आबादी है 140 करोड़ की, वो तो स्टेटिक रहेगी और एवरेज जैसे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर सप्लाई भी उसके साथ मैच करे तो फिर भाव बढ़ने की चांस कम होते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।